दोस्तों, जानवर अपनी हरकतों से आए दिन लोगों को हंसाते रहते हैं, और ऐसे ही कुछ वाक्य दिखाने के लिए हमने एक सीरीज की शुरुआत भी की थी, जिस पर आप सभी का काफी अच्छा प्यार और सपोर्ट देखने को मिला। और उसी प्यार और सपोर्ट को देखते हुए आज हम फिर इसका एक और नया पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर ये बिल्ली इस घोड़े के ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से इस घोड़े का सर घूम जाता है और फिर ये इसे एक जोरदार लात मारता है, जिसके चलते बिल्ली तुरंत ही साइड हो जाती है और साइड में जाकर गिर पड़ती है। दोस्तों, जरा आप इस भेड़ के बच्चे को भी देख लीजिए, जो कि किस तरह इस भेड़ के पीछे पीछे अपने आगे वाले दो पैरों पर चल रहा है और काफी दूर तक ऐसे ही चलते रहता है, जिसमें गिरता भी नहीं है। इस वीडियो के अंदर ये छोटा मगरमच्छ इस क्रोकोडाइल को खाने आता है, लेकिन जो ये इसे पकड़ने की कोशिश करता है तो चिकन बुरी तरह चिल्लाता है, जिसकी वजह से वो मगरमच्छ उल्टा खुद ही डर जाता है और वापस पानी के अंदर भाग जाता है। यहाँ पर कुछ लकड़बग्घी इस राइनो को घेरे हुए हैं और इसका शिकार करने के इरादे से शायद इसके आजू बाजू घूम रहे हैं, लेकिन ये राइनो उनके साथ गेम खेलता है और पहले तो वहाँ पर फोटी करता है और फिर उसको उनके ऊपर अपने पिछले पैरों की मदद से फेंकने लगता है, जिसकी वजह से ये लकड़बग्घी भी कुछ भी नहीं समझ पाते हैं और यहाँ से खिसकने में अपनी भलाई समझते हैं। ये लड़की कार में बैठे इस कुत्ते को कुछ ज्यादा ही क्यूट बोलती है, इसकी वजह से कुत्ता अपनी क्यूटनेस कुछ इस तरह दिखाता है। It looks so cute. अब भाई जरा इस छोटे डॉग को भी देख लीजिए, जो कि काफी देर से इन दो बड़े डॉग को उकसा रहा है, ताकि ये दोनों इसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो, लेकिन ये दोनों इसे जरा सा भी भाव नहीं देते हैं और इसको अपने मुंह नहीं लगाते हैं और ये बेचारा ऐसे ही उछलता रह जाता है। वैसे दोस्तों, ये छोटा डॉग भी इस बड़े वाले डॉग को किस तरह दौड़ा रहा है आप देख ही सकते हैं, ये डॉग कितना ज्यादा बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये किस तरह भीगी बिल्ली बनकर दौड़ रहा है। ये कुत्ते भाई साहब भी पता नहीं किस तरह अपना ध्यान रखकर सीधे चलते जा रहे थे, जिसकी वजह से इनके साथ कुछ ऐसा होता है और ये सीधा नाले में जाकर गिर पड़ते हैं। ये तो वही बात हो गई कि नजर हटी दुर्घटना घटी। दोस्तों, बिल्लियों को जब भी मौका मिलता है तो ये खुरापात करने से पीछे नहीं हटती है। अब जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर ही देख लीजिए, जहाँ पर ये बिल्ली सोफे पर सो रहे आराम से इस कुत्ते को छेड़ती है और फिर बाद में इस सोफे के पीछे छिप जाती है, जिसके बाद ये कुत्ता उठकर देखता भी है, लेकिन बेचारे को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। इस कुत्ते को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर में इसके साथ ऐसा किसने किया। ये जनाब भी अपने मुंह में लकड़ी पकड़ के कुछ ज्यादा तेज गति से आ रही थी और इसी वजह से इनके साथ भी कुछ ऐसा होता है और ये भी अपना मुंह तुड़वा बैठते हैं। अब भाई जरा इन दो डॉग्स को भी देख लीजिए, जो कि इस गुब्बारे को पकड़ने के लिए हवा में उछलते हैं, लेकिन दोनों एक साथ उछलते हैं और इसी वजह से वो गुब्बारा तो वहीं पर फूट जाता है और साथ में इनका सर भी। इस वीडियो में यहाँ पर चार डॉग मिलकर इस बिल्ली को शायद परेशान कर रही थी, लेकिन ये बिल्ली तीन से कई गुना आगे निकली और चारों को ही एक एक करके धो डाला और चारों के ऊपर एक एक करके बुरी तरह वार किया और फिर वार करने के बाद चारों डॉग यहाँ से भाग निकले। मतलब यहाँ पर आप भी साफ साफ देख सकते हैं कि इस बिल्ली का खौफ इन डॉग के सामने कितना ज्यादा है और इसी वजह से ये पतली गली से निकलने में अपनी भलाई समझते हैं। यहाँ पर ये बकरियां पहाड़ से नीचे उतर रही है और इनके साथ में एक डॉग भी है, जो कि इनमें से एक बकरी के ऊपर भौंकता है और इसी वजह से ये बकरी इस डॉग के ऊपर जोरदार टक्कर मारती है और इतनी जोरदार टक्कर मारती है कि बेचारा नीचे जा गिरता है और बेचारे की अकल ठिकाने लग जाती है।
दोस्तों कुछ ऐसा यहाँ पर भी होता है जहाँ पर भी यह भेड़ काफी देर से अपना शिकार ढूंढ रही होती है और इसी दौरान इसे एक डॉग दिखाई देता है जिसके बाद ये तेजी से दौड़ते हुए उसके पास में चली जाती है और अचानक उस डॉग को ऐसी टक्कर मारती है कि बेचारा धराशायी हो जाता है। यहाँ पर इस डॉग को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ और बेचारी को बिना बात ही तोड़ा क्यों गया। मुझे क्यों तोड़ा? अब दोस्तों इन दोनों की लड़ाई को भी देख लीजिए जहाँ पर एक डॉग और एक सुअर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस डॉग के बजाय इस सुअर का पलड़ा ज्यादा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी दौरान ये सुअर इसके ऊपर जोरदार हमला शुरू कर देता है और हमला इतना जोरदार करता है कि कुत्ते को संभलने तक का भी मौका नहीं मिलता है और ये सुअर इसके ऊपर तब तक हमला करते रहता है जब तक ये डॉग पानी के नाले के अंदर जाकर गिर नहीं जाता है। मतलब वह भी मानना पड़ेगा, ये सुअर तो काफी ज्यादा तेज निकला। यहाँ पर ये दो घोड़े आराम से अपना खाना खा रहे होते हैं तभी बीच में ये पक्षी आ जाता है और इनके खाने में से अपना हिस्सा लेने की कोशिश करता है जिसकी वजह से एक घोड़े का माथा सटक जाता है और ये उस पक्षी को गर्दन से उठाकर दूसरी तरफ रख देता है जैसे मानो कह रहा हो अरे भाई निकल यहाँ से, और वह भी पहली फुर्सत में। इस वीडियो के अंदर पेंगुइन खुश होते हुए आ जाता है लेकिन इसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है क्योंकि इसका दोस्त गुस्से में आ जाता है और इसे झापड़ मारकर बर्फ के अंदर कर देता है। एनिमल फनिस्ट मोमेंट कोटोनो कैमरा सीरीज का एक और पार्ट जरूर पसंद आया होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट भी कमेंट कर देना, हम जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।